जय हिंद दोस्तों। बस स्टार्ट करने से पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ऐसे मोबाइल के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो कम बजट में 5G मोबाइल आपको मिलने जा रहा है। इसके अलावा बता दूं आपको कि 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलने जा रहा है, 6000 mAh बैटरी जो बिना चार्ज किए 2 दिन तक रेगुलर चला सकते हैं। इसके बाद बैटरी भी ऐसा कि इस मोबाइल से आप दूसरे मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, मतलब ये मोबाइल पावर बैंक का काम करेगा। और रेट जो सुनेंगे तो आप तो दंग रह जाएंगे कि इसका रेट इतना कम रेट में कैसे हो सकता है। ये मोबाइल है, मैं इसको ऑफलाइन लिया हूं, मतलब दुकान से लिया हूं, अभी प्योर एकदम नया मॉडल है। आपने बहुत सारा मोबाइल खरीदा होगा, ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, लेकिन ये जो मोबाइल है ना, जितना फीचर है और जितना फैसिलिटी इसमें है, जितना बैटरी बैकअप है, ऐसा मोबाइल कम से कम 40,000 से कम के रेंज में नहीं आएगा। 14,000 का मोबाइल है कि देखिए, ये मोबाइल है मोटोरोला का, जिसका मॉडल का नाम है Moto G54। ये रहा आपके सामने मोबाइल, 6.5 इंच का डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 12GB रैम, 12GB एक मायने रखता है, 256 स्टोरेज है, 256GB का। इसके अलावा आपको बता दूं कि 6000 mAh बैटरी, 6000, समझ रहे, इतना ज़्यादा mAh बैटरी। अभी आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का भी मोबाइल लेते हैं ना, चाहे iPhone हो, S22 Ultra हो, S23 Ultra हो, कोई भी हो, आपको बता दूं कि 6000 mAh बैटरी नहीं होता। वो भी ऐसा 6000 सिर्फ कहने का नहीं, ये 6000 mAh बैटरी है तो है। इसके साथ क्या क्या दिया गया है वो दिखा दे रहा हूँ आपको। इसके साथ ये देखिए चार्जर, चार्जर काफ़ी फास्ट चार्जर है, ये चार्जर जो है बहुत ही बेहतरीन। मैं इसको ये मत समझिए कि मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैं इसको पहले यूज किया हूँ 2-3 दिन, उसके बाद मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको, क्योंकि खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसके साथ क्या है, ये बैक कवर भी मिला है, ये बिल है, देखिए 24/10/2023 को मैंने ये मोबाइल लिया। अब देखिए इसका, आप देख सकते हैं नज़दीक से, इसका 14,000 रुपये का बिल है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका बैक जो कैमरा है, बैक कैमरा वो आपको 50 मेगापिक्सल का है, आप देख रहे होंगे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही वजनदार मोबाइल है, आप हाथ में रखेंगे तो आपको पता चलेगा मात्र और मात्र 14,000 रुपये में क्या चाहिए। अब आपको बैटरी का खासियत बताऊँ, 6000 mAh जो बैटरी है, इसमें फ़ायदा क्या है कि आप कहीं टूर पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या घर पर ही हैं, लाइट नहीं है, पावर बैंक बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जो गांव के हैं, देहात के हैं, जिनको लाइन की दिक्कत है, या फिर जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, कहीं जा रहे हैं, उसका मोबाइल दूसरा बंद हो जाता है। तो इसमें क्या है कि 6000 mAh बैटरी जो है, तो ये जो सी टाइप चार्जर है, जैसे ये है, आप यहाँ पे लगा रहे हो, इसको लगाओ, फिर यहाँ से ये निकालो, यहाँ से सी टाइप अगर है तो सी टाइप वाला, और यहाँ लगा दो इस मोबाइल में, तो इस मोबाइल से ये मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर चार्ज नहीं तो। इसके अलावा कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, सी टाइप अगर दोनों तरफ है, वो भी सी टाइप है, अगर ये भी सी टाइप है, तो दो मोबाइल को एक दूसरे से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। आपका कोई मान लीजिए हेडफोन है, उसको चार्ज कर सकते हैं, जो ब्लूटूथ वाला होता है, जो चार्जिंग वाला होता है, उसको चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना मैं किसी कंपनी से पैसा लिया हूँ, ना मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि 40,000-35,000 के रेंज में दूसरे कंपनी का मोबाइल आता है, और मोटोरोला में आपको बता दूँ G54 जो मॉडल है, ये मात्र 14,000 के रेंज में आपको मिल रहा है, इतने सारे फैसिलिटी के साथ। तो मैं आपको इसलिए आगाह करना चाह रहा हूँ कि आपकी बचत हो जाए, जो लोग का कम बजट है, 5G मोबाइल लेना चाहते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल लेना चाहते हैं, 6.5 इंच का मोबाइल लेना चाहते हैं, 6000 mAh बैटरी लेना चाहते हैं, 50 MP कैमरा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 14,000 में बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट मोबाइल है। इससे बेहतर कोई भी कंपनी नहीं देने जा रही है, और इतना मजबूत मोबाइल और इतना परफेक्ट मोबाइल और इतना स्लिम मोबाइल, इतना बेहतरीन मोबाइल कोई भी कंपनी इतना कम रेंज में आपको नहीं देने जा रही है। तो दोस्तों, आपको पता ही है, मैं अपने इस चैनल पर तरह तरह की जानकारी देता रहता हूँ, एजुकेशनल से संबंधित, चाहे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा आपको बता दूँ लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, ट्रेडिंग हो गया, शेयर बाजार हो गया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कुछ बताता हूँ आपको। वो सारे चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको फायदा हो, जिससे आप जागरूक हो। तो इसी कड़ी में ये भी मैं कभी कभी बता देता हूँ आपको, किसी चीज़ का कोई टेक्निकल चीज़ लाता हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान लाता हूँ, तो उसका रिव्यू करके आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सब आम चीज़ें हैं, लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये सब जानना चाहते हैं आप, हमेशा चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको मिले, कुछ सीखे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कब? अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।